खबर कबीरधाम जिले से कवर्धा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमी और पूर्व पति ने एक महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि कल्याणपुर की रहने वाली 28 वर्षीय ग्वालिन साहू की शादी चिमागोंदी हुई थी। महिला के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके पति लुकेश साहू को महिला के चरित्र पर शंका थी। पति ने इस वजह से अपनी पत्नी को भगा दिया। इसके बाद पत्नी ने कोर्ट में मामला दायर कर भरण पोषण ले रही थी। इस बीच ग्वालिन साहू का गांव के ही युवक राजा राम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वही दोनों आरोपी ग्वालिन बाई साहू से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, इसलिए दोनों ने महिला की हत्या की साजिश रची और कुछ ग्वालिन बाई साहू को खानी खूटा घाट के जंगल में ले जाकर उसकी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी और दफना दिया। वही पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर मृतिका के शव को बाहर निकाल लिया। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। दिनांक 22 जुलाई को मृतिका ग्वालिन बाई के पिता थाना सहसपुर लोहारा में आकर गुम सुधगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसके बाद लगातार गुम महिला की पता तलाश की जा रही थी। जो जिन पर संदेह था उन संदेहियों का CDR, IPDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि हो सकता है इनके द्वारा या तो जो महिला गुम है उसको कहीं और रखा गया है या हत्या भी कारित की जा सकती है, जिसके बाद संदेहियों को उठाकर लाया गया। 2 संदेही थे, लुकेश साहू जो कि ग्वालिन बाई का पति है और 3 वर्ष से अलग रह रहा था, और दूसरा उसका प्रेमी राजा राम, दोनों चिमागोंदी के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ किया गया। कड़ी से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि जो राजा राम है वो बिल्कुल उससे प्रताड़ित था, परेशान चल रहा था। ग्वालिन बाई राजा राम से करीब 1.5 लाख रुपए ले चुकी थी और बार बार कभी भी उसके दुकान पे आती थी। वो मोबाइल का दुकान था राजा राम का, मोबाइल ले जाती थी, कंप्यूटर का सामान कुछ ले जाती थी और परेशान करती रहती थी, जिसके कारण वो उसकी हत्या करना चाहता था। वहीं जो लुकेश है उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी, कर्ज में आ चुका था, वो भी परेशान था, इसलिए दोनों ने मिल करके मारने का प्लान बनाया।